हाँ हम हैं गुलाम, और जब तक हमारे शरीर में सांस है हम गुलामी करेंगे, क्योंकि इस देश का निर्माण नेहरू का निर्माण किया है। गुलामों, ये नई संस्कृति आई है। देश की जनता वोट देगी लेकिन हम कांग्रेस की गुलामी करेंगे। जी हाँ, और ये बात हम बीच संसद में डंके की चोट पर कहेंगे। गुलामी से पीछा छुड़ाकर देश आजाद हुआ है, लेकिन राजस्थान में सिरोही से विधायक संयम लोढ़ा ने अब खुलेआम कह दिया है कि जाइए, जो करना है कीजिए। मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं गांधी और नेहरू परिवार का गुलाम हूँ। जी हाँ, और इस विवादित बयान ने देश राज्य की राजनीति में भूचाल मचा दिया है कि जिस विधायक साहब को आम जनता लाइनों में घंटों खड़े रहकर वोट देती है इस उम्मीद में कि साहब उनकी सुनेंगे, उनके हक की बात करेंगे, लेकिन महाशय तो गुलामी का काम करने में व्यस्त हैं। यहाँ हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन संशोधन बिल पर राजस्थान विधायक संयम लोढ़ा ने सदन में एक विपक्षी नेता को जवाब देते हुए आखिर क्या कहा कि हंगामा बढ़पा हुआ है, आप खुद ही सुनिए और देखिए। हाँ हम हैं गुलाम, और जब तक हमारे शरीर में सांस है हम गुलामी करेंगे, क्योंकि इस देश का निर्माण नेहरू का निर्माण किया है। गुलामों, ये नई संस्कृति आई है। गुलाम, आपको बधाई हो गुलामी के लिए, और मान्य सभा बधाई हो गुलामी के लिए। ये गुलाम है और क्या स्वीकार किया है, ये हो गुलामों। आपको बता दें कि यहाँ विवादित बयान देने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा राजस्थान विधानसभा में चल रहे बजट सत्र में गुलामी की बात पर हर जगह से अब घिर चुके हैं, जिसके बाद मामला बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में संयम लोढ़ा के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देखते रहिए एचसीएन न्यूज़। धन्यवाद।